सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, मैं चेतना सिन्हा आपका स्वागत करती हूँ सर्च इंडिया न्यूज में। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022, बीजेपी ने जारी की 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। सीराज से जयराम और मंडी से अनिल शर्मा कैंडिडेट। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की तरफ से अपनी पहली लिस्ट में 62 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। सीएम जयराम ठाकुर सीराज से चुनाव लड़ेंगे। इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस यहां से पहले ही चेतराम ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, जिसके बाद अब बीजेपी ने भी सीएम जयराम ठाकुर के नाम का औपचारिक ऐलान किया। बीजेपी ने 62 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। इन 5 नामों में चौंकाने वाले नाम चंबा से सामने आया है। बीजेपी ने चंबा से इंदिर कपूर को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा शाहपुर से मौजूदा मंत्री सरवीन चौधरी को टिकट दिया है। साथ ही इंदौर से रीता धीमान, पच्छाद से रीना कश्यप, रोहडू से शशि बाला को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने जिन 62 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें 11 सीटें ऐसी भी हैं जहां मौजूदा विधायकों का टिकट काटा गया है, जिनमें एक मंत्री भी शामिल है। इन सीटों से नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। मंगलवार 18 अक्टूबर देर रात दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाजपा प्रत्याशियों के नाम पर गहन चर्चा हुई, जिसके बाद ये बता दिया गया था कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए अपनी लिस्ट जारी करेगी। हिमाचल के सीएम जयराम रमेश आज चुनाव के लिए अपना नामांकन भी दाखिल करने जा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की ये लिस्ट जारी की है। सीएम के नामांकन को लेकर प्रदेश बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।